लियोनार्डो और स्पीडी कार में जा रहे थे। अचानक वो अपनी कार को एक सुनसान सड़क की तरफ मोड़ देते हैं। कुछ देर बाद लियोनार्डो कार को रोक देता है और स्पीडी से कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम ध्यान रखना, अगर कोई आ रहा हो तो मुझे इशारा कर देना। लियोनार्डो पैदल थोड़ी दूर तक जाता है और आसपास दूर दूर तक कोई नहीं होता। वो खुद से मन ही मन कहता है कि ये जगह बेस्ट रहेगी। फिर वो वापस कार में जाता है और देखता है कि स्पीडी घबराहट में सारा सामान बैग से निकाल कर फेंक रहा था, जैसे कि आधा खाया हुआ सैंडविच, वीडियो कैसेट्स की रील और कुछ पैसे भी गिरा दिए। लियोनार्डो जब तक उससे कुछ पूछता है और सारा सामान इकट्ठा करता है, तभी उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देता है। दोनों बिना टाइम वेस्ट करे अपनी कार में बैठकर तुरंत वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं ट्रैश के रूप में अपनी बर्बादी का न्योता। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये दोनों आदमी कौन हैं और ये कुछ कूड़ा कचरा जैसी चीज़ें इनकी बर्बादी कैसे लाएगी और ये पुलिस से क्यों भागी। दरअसल ये कहानी है द हाइस्ट ऑफ सेंचुरी, यानी इस सदी की सबसे बड़ी चोरी। ये करीब 7 अरब तक चुराते हैं। तो ये कहानी शुरू करते हैं फिर। ये चोरी है सन 2003 में बेल्जियम डायमंड सेंटर की। उस समय दुनिया का 80% डायमंड की ट्रेड इसी डायमंड सेंटर से होती थी। लियोनार्डो जो 6 साल की उम्र से चोरी करना सीख चुका था, उस सेंटर में एक व्यापारी बन के शॉप खरीदता है। उसे वहाँ इसलिए दुकान लेनी पड़ती है ताकि वो सेंटर की सिक्योरिटी तोड़ सके। सेंटर के चारों तरफ पुलिस 24/7 पेट्रोलिंग करती रहती थी। सारे डायमंड्स बिल्डिंग से 2 फ्लोर नीचे एक कमरे में रखे थे। कमरे को अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह कैमरा कवर थे। कमरे के दरवाजे पे मैग्नेटिक फील्ड थी जो गेट के तोड़ने की कोशिश को नाकाम करती थी। दरवाजे के बाहर हीट सेंसर थे जो बॉडी टेम्परेचर के बढ़ते ही अलार्म बजा देते थे। अगर कोई दरवाजे को ड्रिल करने की कोशिश करता तो एक सिस्मिक सेंसर लगा था जो ड्रिल को डिटेक्ट करके अलार्म बजा देते थे। और उन सारी सिक्योरिटी के बाद जो दरवाज़ा खोलने का पासकोड था, उसके भी मिलियन कॉम्बिनेशंस थे। इतनी ख़तरनाक सिक्योरिटी को कोई एक दिन में तो तोड़ नहीं सकता था। इसलिए लियोनार्डो चोरी से 2 साल पहले वहाँ व्यापारी बन के काम शुरू कर देता है। व्यापारी अपने डायमंड्स को रखने के लिए उस कमरे में जा सकते थे और इसलिए लियोनार्डो भी वहाँ अक्सर जाया करता था। वो अपने पेन में एक स्पाई कैमरा लगाकर कमरे की बहुत सारी तस्वीरें खींचता है। फिर वो उन सारी तस्वीरों की मदद से अपने घर में एक डुप्लीकेट कमरा बनाता है, हूबहू डायमंड सेंटर के कमरे जैसा। लियोनार्डो की मदद के लिए 4 और बंदे थे। सभी अलग अलग चीज़ में माहिर थे, जैसे कोई अलार्म डिसेबल करने में एक्सपर्ट था, कोई दरवाज़ा खोलने में और एक दरवाज़ा तोड़ने में। उसे सभी मॉन्स्टर कहते थे, नाम से ही बंदे की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो गया होगा। इन सब में से एक लियोनार्डो का दोस्त था जिसका नाम था स्पीडी। पूरी तरह से प्रैक्टिस करके वे चुनते हैं 15 फरवरी 2003 शनिवार का दिन, क्योंकि वीकेंड पर डायमंड सेंटर खाली होता था। लियोनार्डो चोरी से एक दिन पहले यानी 14 फरवरी को नॉर्मल अपने ट्रेडिंग काम से कमरे में जाता है और हीट सेंसर के ऊपर हेयर स्प्रे डाल देता है, क्योंकि स्प्रे हीट सेंसर के ऊपर एक ऑयली परत बना देता है सेंसर ठीक से, जिसकी वजह से काम नहीं करता। पर लियोनार्डो ये नहीं जानता था इसका असर कब तक रहेगा। अब अगले दिन रात को चोर बिल्डिंग में रस्सी की मदद से घुस जाते हैं। स्पीडी कार में ही रहता है। चारों सीढ़ियां उतरते हुए कमरे की तरफ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनकर ऊपर वाले फ्लोर में थे, इसलिए उन्हें सारे कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ते हैं। धीरे धीरे बिना आवाज़ करके चारों कमरे तक पहुंच गए। पहले तो वो कैमरे को काले कपड़े से ढक देते हैं और फिर लाइट जलाते हैं ताकि गार्ड्स को लाइट जलाने का पता ना चले। एक आदमी सारे अलार्म डिसेबल कर देता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के लिए दरवाजे को साइड में एक स्टील प्लेट ठूस देता है। उससे मैग्नेटिक फील्ड प्लेट तक सीमित रह जाती है। लियोनार्डो दरवाजे का कोड भी सही भर देता है, क्योंकि उसने रिकॉर्ड किया हुआ था। सारा सही से हो जाता है। फिर मॉन्स्टर कमरे में घुसता है। सबको ये डर था
कि कहीं हेयर स्प्रे का असर ख़त्म ना हो गया हो और मोस्टर को काफ़ी पसीना भी आ रहा था। खुद को शांत रखते हुए मोस्टर कमरे में घुसता है और भगवान की दया से स्प्रे अपना काम कर रहा था। गार्ड्स को पता भी नहीं था कि उनके नाक के नीचे कोई अरबों की चोरी कर रहा था, लेकिन लॉकर को खोलने के लिए छत की तरफ लगे एक बॉक्स में से वायर कट करनी थी ताकि सारे सेंसर और अलार्म बंद हो जाए। ये काम मोस्टर को करना था, किसी बॉम्ब डिफ्यूज से कम नहीं था ये काम। एक गलत वायर और सारे सिक्योरिटी गार्ड उनकी तरफ भागते हुए आते। मोस्टर को और ज़्यादा पसीना आने लगा, जिससे हीट सेंसर कभी भी बच सकता था। फिर मोस्टर आमीन बोलते हुए रेड वायर कट कर देता है। उस सारे दो मिनट के लिए सहम जाते हैं, पर तभी मोस्टर अंगूठा दिखाता है और बोलता है, चलो मेरे शेरो। सारे जुट जाते हैं लॉकर को खोलने में। सबसे बड़ी बात, वो बिना लाइट के ये सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डुप्लीकेट मिले, काफ़ी प्रैक्टिस की थी। वो बैग में हजारों हीरे भर लेते हैं, कई देशों के नोट जैसे अमेरिकन, इंडियन, स्वीडिश, कैनेडियन और ब्रिटिश। उनके बैग फटने वाले हो जाते हैं, वो फटाफट वहाँ से निकलते हैं और स्पीडी बाहर ही होता है कार में। सारे उसमें बैठकर इटली के लिए निकल जाते हैं सामान बांटने के लिए। बिना किसी को कानों कान खबर लगे वो चोर दुनिया के अरबों रुपये लूट लेते हैं, लेकिन एक गलती जो स्पीडी करता है सामान बाहर फेंक कर सबको फंसा देती है, क्योंकि वो कैसेट कमरे की थी और सैंडविच पे सारे फिंगरप्रिंट उनके थे। कुछ सालों बाद सारे पकड़े जाते हैं, लेकिन पुलिस एक भी रुपया नहीं ढूंढ पाई। पुलिस का कहना है कि इस चोरी के पीछे छठा आदमी भी था, जो ना कभी पता चला और ना कभी पकड़ा गया। ये सारा पैसा भी कभी नहीं मिला। दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।